का तो शुरू से ही नहीं था ध्यान ऊपर था कि केंद्र के अंदर कैसे गैर कांग्रेस सरकार बनाई जाए। वो तो घूमते रहते थे, कभी बिहार जाते, वो अपने तो आप कौन से ग्रुप में थे? जोगी देवीलाल का बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था क्या? हरियाणा उनका तो शुरू से ही नहीं था। अच्छा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो तो बनते ही उनका ध्यान ऊपर था कि केंद्र के अंदर कैसे गैर कांग्रेस सरकार बनाई जाए। अच्छा। तो सब लीडर्स को जोड़ने के लिए वो तो घूमते रहते थे, कभी बिहार जा रहे हैं, और इधर से फिर चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में टकराव वो अपने। तो आप कौन से ग्रुप में थे? नहीं, हम तो पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे। अच्छा। फिर जब देखा काम नहीं बने, बड़े दिन देखा नहीं बने काम, फिर चौधरी रणजीत सिंह के पास चले। अच्छा। क्या करते, उनके पास गए, उनका भी वही हाल था जो वो था, इनका था, दोनों भाई गए। वो उनके निकलने देता, वो उसके निकलने देता, हम तो पिस गए। आफ्टर ऑल एक दिन तंग आके हमने मन बना लिया, अभी हम छोड़ेंगे। कौन कौन थे आपके? कम से कम 11-12 लोग थे। अच्छा। जो सब दुखी थे, सब तंग थे, किसी का काम नहीं बनता था। अब लोगों के पास जाते, लोग जूते मारते थे, भाई छोटी ट्रांसफर भी नहीं होती, छोटी ट्रांसफर के तो हमारी सिफारिश होती थी, उसमें वो भी नहीं होती थी, नौकरी लगना दूर की बात। अच्छा। कोई काम क्या होता नहीं था, डेवलपमेंट का काम वो नहीं होता था, बड़े परेशान थे। हम इकट्ठे हो गए थे तो हम कम से कम 11 MLA थे, जिसमें मंत्री भी थे, जो धर्मवीर था आपके भिवानी वाले, हाँ जी, ये हमारा लीडर था, लीडर थे, और अजमत खान था, और हसन मोहम्मद था मेवात से, इधर से बूटा सिंह था गुल्ला से, बलवीर सिंह सैनी था पेवा से, और नंबरदार मांगे राम था बहादुरगढ़ से। 11 आदमी गुट था। अच्छा, 11 आदमी अलग हो गए थे बिल्कुल, हम ये इकट्ठे रहेंगे, हमारे इकट्ठे में। अच्छा। रघु यादव जी? रघु यादव। अच्छा। तो हमने एक दिन, मैं यहाँ, मुझे बुलाया, मार्च का महीना था, शुगर मिल के बाहर धरना दे रहे थे किसान, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे जी आओ आप लोकल विधायक को हमारी सुनो। मैं गया वहाँ, देखा तो बड़े लोग बैठे थे किसान, कहते जी आप बताओ, जब ये शुगर मिल लगी थी तो ये वादा हुआ था कि यहाँ के किसानों को जिनकी ज़मीन जाएगी उनको नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, मन के बिल्कुल हुआ था वादा भी हमने। तो कहते जी अब लगाते तो नहीं, आप मिल में देखो सरसा के कितने आ गए, मैम के कितने आ गए, क्या इसीलिए हमने ज़मीन दी थी, आप करो कुछ। हम बड़े परेशान, मैंने कहा मैं आपका पूरा जो कहते हैं आप कह देते हो, करते कुछ नहीं। नरसिंह डांडा थे, वो भी कह गए एक हफ्ता का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा मैं वादा करके जाता हूँ भैया, अगर आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो मैं घर बैठ जाऊँगा। दुख तो पहले बड़े थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जो जख्म थे हमारे उसको रेत दी उन्होंने। अगले दिन ही हमें दिल्ली जाना पड़ गया, और हम पता लगा कि कल को मास्टर कृष्ण को बदल रहे हैं। अच्छा। चीफ मिनिस्टर को बदल रहे हैं। हाँ। मेरे ख्याल में 23 मार्च की बात है, 24 मार्च हमने फैसला किया छोड़ दो भाई, ये रोज के चीफ मिनिस्टर बनने दो, छोड़ ही दो। हमने तो गए नीचे गवर्नर के पास, गवर्नर वहाँ ठहराव देने, हमने MLA से भी दनिक लाल मंडल थे। हाँ। हम तीन आदमी थे, मैं, धर्मवीर और राव नरबीर, तीनों ने छोड़ दिया। तीनों ने, हमने कहा भी हम मंत्रिमंडल से भी रिजाइन करते हैं और MLA से भी रिजाइन करते हैं। MLA का रेजिग्नेशन में चट्ठा था, स्पीकर उसको भेज दिया और मंत्रिमंडल से मंडल हम नहीं रहा। सरकारी गिर गई फिर तो। फिर उसके बाद विपक्ष ने शोर पाया पूरा, कांग्रेस विपक्षी। दांगी जी भी अलग हो चुके थे तब तक। दांगी जी तो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे पूरी इसके खिलाफ, चौटाला साहब, चौटाला तो अलग थे ही। हाँ, मैम कांड हो लिया था। हाँ, हो चुका था। तो हमने रिजाइन कर दिया, ये 91 मार्च की बात है, मार्च हमने कहा रिजाइन देंगे, क्योंकि हम तो तंग आ गए थे, काम तो होते नहीं, रोज रोज बदलते हैं CM भी, हम परेशान हैं, ऐसे अच्छा घर बैठ जाए ताकि लोग तो हमें तंग नहीं करेंगे। तो इस दौरान देवीलाल जी का कोई संपर्क आपको, कॉल, फोन, कुछ नहीं? ना, देवीलाल जी से तो डिप्टी CM थे, डिप्टी PM थे। हाँ, तो कोई संपर्क नहीं उनसे आपका? ना, कुछ। अच्छा। तो हम रिजाइन कर दिए, किसी ने हमें नहीं कहा कुछ, मत करो। हाँ, इतना जरूर हो गया था कि हमारे घर वालों को, भाइयों को, भतीजों को पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया था। अच्छा। हमारे पीछे भी लग गए थे, लेकिन पाक साफ थे, हमारा क्या करते, घूम फिर के देख लिया, सारा कर लिया,
कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे। हाँ, कुछ कुछ कमाया था ही नहीं तब तक ना। तो फिर ओपोजिशन का जब पूरा दबाव हुआ ना राष्ट्रपति पे, तो चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर पे दबाव हुआ क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी थे। हाँ, तो उस लोगों ने समझाया, उसके साथियों ने, उसके जो उसको सलाह देते सलाहकारों ने समझाया कि अगर आप हरियाणा में सरकार नहीं हटाओगे ना, मिनोरिटी की गवर्नमेंट रखोगे, तो आप फेस नहीं कर पाओगे, हर जगह आपको पत्रकार पूछेंगे, मीडिया पूछेगा, तो आपके वोट जो है ना मिलने मुश्किल जाएंगे। तो उन्होंने चंद्रशेखर ने बुला के मुख्यमंत्री को अभी रिजाइन कर दिया। अच्छा। तो स्वास्थ्य हमने रिजाइन कर दिया, फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहा।